चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है अपना। एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो उसकी हेल्प से हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। ये वाला जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस में से रिमूव हो गया है, तो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है वो पूरी छूट जाएगी अपनी। 9.3 नाम की एक्सरसाइज आएगी, ये एक्सरसाइज 9.3 उसी कॉन्सेप्ट बेस है। इसमें जनरल इक्वेशन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से, तो एक्सरसाइज को कट कर दो आप। ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट गई, ठीक है। सब में वही करना है आपको, इक्वेशन बनाना, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है भाई, छोड़ दो इसको। सिलेबस दिखाया मैंने आपको, सिलेबस में है नहीं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, वो टॉपिक रिलेटेड है, उसको छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने की कुछ मेथड्स है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कब रहता है, जब उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 रहता है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का रहता है तो उसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट डिग्री मतलब उसकी डिग्री 1, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहती है तो वो फर्स्ट डिग्री का हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स है, करीब करीब 1, 2, 3, 4 चार मेथड आएगी और चारों मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। तो दो मेथड के ऊपर एक्सरसाइज 9.4 है। मैं पहले दो मेथड आपको बता देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 9.4 उसको करेंगे, फिर एक मेथड बताएंगे उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, फिर एक मेथड बताएंगे उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज और है। चार मेथड डिस्कस करना और चार में से किसी भी मेथड के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। सारी इंपॉर्टेंट है, मैं वन बाय वन आपको एक एक बताता हूँ। पहले दो बताऊंगा, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक बताऊंगा, फिर एक एक्सरसाइज करेंगे और फिर एक बताऊंगा उससे एक एक्सरसाइज करेंगे और काम खत्म। तो चलिए कॉस्ट वाली जो मेथड है, कॉस्ट इफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू f of x और f of y। देखिए फर्स्ट मेथड है, इफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अगर इस टाइप का हो, dy by dx इज इक्वल टू f of x, ये dy by dx तो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का और इधर f of x, x का कोई भी फंक्शन है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्म का दिया हुआ है और f of x के प्लेस पे f of y भी हो सकता है, मतलब इधर dy by dx इज इक्वल टू f of y हो, तो दो फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। dy by dx is equal to f of x type का differential equation हो या dy by dx is equal to f of y type का differential equation हो, तो दोनों को कैसे solve करते हैं, मैं दोनों को solve करना बताता हूँ, एक एक ले लेता हूँ इसमें से। तो पहले अपन ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, dy by dx is equal to f of x type का अगर equation हो तो क्या होगा, dy by dx is equal to f of x। मान लीजिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy by dx is equal to f of x, f of x कुछ भी हो सकता है आपका, sin x हो सकता है, e raise to x हो सकता है, x square plus 1 कोई भी x वाला फंक्शन हो सकता है और इधर डेरिवेटिव। अब देखो ऐसा फॉर्म यदि आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, इधर f of x दिख रहा है तो ये जो dx दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर कर देंगे, which implies इधर dy बच जाएगा is equal to f of x और ये dx। ऐसा कर सकते हैं आप, आपको फॉर्म पहचानना है कि dy by dx is equal to f of x अगर दिख जाए तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो। अब देखो इधर dy है, इधर dx है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। अब देखो दोनों साइड को इंटीग्रेट करने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी dy लगा हुआ है और इधर ऑलरेडी dx लगा हुआ है,
तो मैं क्या करूंगा, केवल इंटीग्रेशन के साइन लगाऊंगा दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए हमने किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं किया, यहां पर ध्यान रखेंगे आप, इधर ऑलरेडी डी वाई दिख रहा है और इधर ऑलरेडी डी एक्स दिख रहा है, तो किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। तो डी वाई और डी एक्स पहले से है, तो मैंने केवल इंटीग्रेशन के साइन लगाया दोनों साइड में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे आप। विच एम्प्लाइज डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है ऐसा डी वाई का वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा एक कांस्टेंट सी लगा दे, प्लस सी, बस कि ये जो सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के साइन हटने के बाद में आप राइट साइड में लगाते हैं, अपन इधर लगाएंगे, अपन ने इधर लगा दिए। बुक वाला कभी ऐसा कर सकता है, वो कभी इधर लगाएगा कभी इधर भी लगा सकता है, लेकिन अपन ने इधर लगाया, मान लीजिए उसने इस साइड में लगा दिया प्लस सी, तो अपने आंसर में और उसके आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि इधर सी लगाएगा और अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी आएगा उसका और अपना प्लस सी अपन ने लिखे। तो हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज राइट साइड में एक सी लगाएंगे। अब जैसे हमने राइट साइड में सी लगा दिए और उसने लेफ्ट साइड में लगाया, तो जब अपन इधर की सी को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी आएगा। याद करो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट के बारे में कि फाइनल आंसर के अंदर आपको केवल प्लस सी लिखना है, जैसे इधर भी उसने लगा दिया अपन शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी आएगा इधर, फिर माइनस सी अपना अगर आ गया तो हम माइनस सी को प्लस सी से रिप्लेस कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे पुट माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल सी, पुट माइनस सी इज इक्वल टू सी लिख देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी अवॉइड हो जाएगी। तो आपको इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट राइट साइड में लगाना है, कब, जब इंटीग्रेशन के साइन हट जाते हैं तब। एक प्रॉब्लम और आएगी, अपन इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं, किताब वाला क्या करेगा, कभी कभी लॉग सी लगा देगा किसी क्वेश्चन, और वो लॉग सी लगाने का कोई रीजन बनता नहीं कि कहाँ पे लॉग सी लगाना है कहाँ पे सी लगाना है। कभी लॉग वाले फॉर्मूले बन रहे हैं तो वहां पे लॉग सी कांस्टेंट ले लेते हैं, अच्छी बात है, लॉग लॉग वाले दिख रहे हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम माइनस लॉग एन वाले फॉर्मूले बन रहे हैं तो लॉग सी लगा देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार बुक वाला ऐसा करता है कि वहां पे लॉग के वाले फॉर्मूले बन रहे हैं फिर भी वो लॉग सी कांस्टेंट नहीं लगाता, वो सी लगाता है। अब जैसे एक लॉजिक अपने पास में आ जाएगा, लॉग वाले फॉर्मूले बन रहे हैं तो अपन वहां पे कॉन्स्टेंट लॉग सी लगा दे, लेकिन बुक वाला क्या करते हैं, लॉग वाले फॉर्मूले वहां बन रहे फिर भी वो क्या करता है, सी लगाता है। और कभी कभी क्या करता है कि लॉग वाले फॉर्मूले बन रहे तो लॉग सी लगा देता है, मतलब वो नचाता है इधर से उधर उधर से इधर, लॉग वाले अपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई लॉग वाले फॉर्मूले बन रहे वहां पे तो अपन लॉग सी लगा दो। लेकिन कई बार कम वक्त क्या करता है, वहां पे लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग एन वाले फॉर्मूले बन रहे हैं तब भी कभी कभी क्या करता है वहां पे सी रख देता है, तो अब दिक्कत आ जाएगी। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि भैया लॉग सी लगाएंगे कि सी लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, हम हमेशा सी लगाएंगे, हम हमेशा सी लगाएंगे, भले ही बुक वाले ने लॉक सी लगा दिया, लेकिन फिर भी बुक वाले ने लॉक सी लगाया और अपन सी लगाएंगे फिर भी अपना आंसर और उसका आंसर आखिरी में मैच हो जाएगा। ये मैजिक मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन में अपन लगाएंगे तब। तो आपको फिक्र करना ही नहीं है कि बुक वाले ने लॉक सी लगाया और अपन सी लगा रहे तो अपना आंसर लगाएगा उसका आंसर, अपन उसके आंसर से अपना आंसर मैच करा देंगे, बुक का आंसर अपना मैच हो जाएगा, चाहे अपन सी लगा रहे वो लॉक सी लगा रहे तब भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो वो लॉक सी वाला कॉन्सेप्ट आप हटा दो अपने दिमाग से कि कोई कॉन्स्टेंट अपने को लॉक सी अपने को लगाना ही नहीं है लॉक सी, अगर लॉक सी भी आएगा तो ऑटोमेटिक मैं वहां पे लॉक ला के बता दूंगा, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप दाऊद सर के सामने बैठे हैं, ठीक है। चलिए इतना भरोसा तो आपको अब तक हो गया हमारे, तो ये पहली मेथड समझ में आ गई आपको, अगर dy by dx is equal to f of x हो तो आपको ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देना है, तो dy is equal to f of x dx हो जाएगा। अब इधर dy इधर dx है तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड के लिए मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, f of x कोई भी फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल f of x, ये इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और प्लस एक कॉन्स्टेंट आपको c लगा देना है राइट साइड, इधर राइट साइड में अपन इधर लगाएंगे, बस यही इसका सलूशन हो जाएगा। अब इसी का एक फॉर्म और है, और मान लीजिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मान लीजिए ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कि इधर तो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स और इधर एफ ऑफ वाई दिख रहा है, एफ ऑफ वाई का मतलब वाई वाला फंक्शन होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये एफ ऑफ वाई वाले को डी वाई के साथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे और डी एक्स को इधर कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा वन अपॉन एफ ऑफ वाई कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और ये डी वाई
वही रहने दो, इज इक्वल टू डी एक्स कर दो। अब देखो यहाँ पर डी वाई है और इधर डी एक्स है, तो दोनों साइड को फिर से इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में आप इंटीग्रेशन कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, वन अपॉन एफ ऑफ वाई का कुछ इंटीग्रेशन होता होगा, अपने को पता नहीं अभी, तो मैं इसको कैपिटल एफ ऑफ वाई ले लेता हूँ, कुछ भी होता होगा, वन अपॉन एक्स रहेगा तो लॉग मॉड ऑफ एक्स होगा, या और कोई फंक्शन होगा अपॉन में तो ऊपर जाके कुछ ना कुछ उसका इंटीग्रेशन होगा, तो वन अपॉन एफ ऑफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ वाई ले लिया मैंने, इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है। देखो इंटीग्रेशन के साइन हट गए, तो एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे राइट साइड में प्लस सी, बस यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई के प्लस में यहाँ पे वाई का कोई फंक्शन आ जाएगा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो दोनों फॉर्म समझ में आ गए आपको, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो आप उसको ऐसा सॉल्व कर देंगे। अब मैं ये होगी आपकी एक मेथड, दोनों में से पहचान, दोनों मेथड को मैंने एक साथ ही बताया है। अब एक मेथड आपको और बता देता हूँ मैं, बहुत काम की है वो। दूसरी मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए एक सेकेंड नंबर की मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए सेकेंड मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड बोल सकते हैं आप, वेरिएबल को सेपरेट करने वाला। वेरिएबल को सेपरेट करने वाले का मतलब है एक्स वालों को डीएक्स के साइड कर लो और वाई वाले को डीवाई के साइड कर लो। देखो बताता हूं मैं, इफ द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखिए dy by dx इधर है डेरिवेटिव और इधर f of x into f of y, दोनों भी x के और y दोनों के फंक्शन प्रोडक्ट में हो, मतलब f of x भी दिख रहा है आपको into f of y भी दिख रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेपरेटिंग द वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, या f of x को dx के साइड कर देंगे और f of y को dy के साइड कर देंगे, इसको कहते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करना आपको। चलिए देखिए कैसे सेपरेट करते, देखो dy ऊपर है तो ये वाले f ऑफ y को नीचे ले आता हूँ मैं, dy को ही रहने देता, ये वाला dx नीचे है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके f ऑफ x की तरफ कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन f ऑफ y, f ऑफ y को मैंने dy के साइड ले आया और ये dy इज इक्वल टू f ऑफ x में ही रहने दो और ये नीचे का जो dx इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाला dy के साइड आ गया और x वाला dx के साइड आ गया, इट इज कॉल्ड सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, या इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी कहते हैं। इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड भी बोल सकते हैं, तो मैं लिखता हूं इसको बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब यहां dy दिख रहा और इधर dx दिख रहा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, वन अपॉन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन के साइन लगा दिया है, विच इंप्लाइज वन अपॉन एफ ऑफ वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल एफ ऑफ वाई है, कुछ भी होगा तो उसका कैपिटल एफ ऑफ वाई का इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लो, इंडेफिनिट इंटीग्रल। देखो इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो राइट साइड में एक कॉन्स्टेंट सी लगा दो, बस ऐसे आपको
सेपरेटिंग द वेरिएबल का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। बस ऐसा कर देंगे तो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ये दो मेथड बताया मैंने आपको, दो मेथड आगे बताऊंगा मैं आपको आगे की एक्सरसाइज, और इन दो मेथड से ये सेकंड वाली और ये फर्स्ट वाली, इससे अपनी एक्सरसाइज 9.4 हो जाएगी। 9.3 अपने सिलेबस से हट गई है, अब आता हूं मैं 9.4 एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको हर एक का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए उसने लिख के दिया है कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर वो लिख के ना भी दे केवल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे तो उसका मतलब होगा वी हैव टू फाइंड आउट इट्स जनरल सॉल्यूशन, उसका जनरल सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। और जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितनी की जितना की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। देखो इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके जनरल सॉल्यूशन में आते, और कभी उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से वो फ्री होता है। यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालने तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं, अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। देखिए आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने अभी आपको जो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया आपको, वो ढूंढना है कि कौन सा टाइप है। तो dy by dx is equal to f of x, एक फॉर्म तो ये होता है, एक होता है dy by dx is equal to f of y हो सकता है, एक होता है dy by dx is equal to f of x into f of y। अभी इतने ही फॉर्म बताया मैंने आपको, ये दो इकट्ठे बताया था और एक ये बताया, ये वाला वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है और ये वाला dy by dx is equal to f of x है और ये dy by dx is equal to f of y। तो ये तीनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है आपको ढूंढना है। तो देखो इधर dy by dx दिख रहा है आपको, अगर कभी नहीं बनता है आपको क्या करना है कि जो अभी तो इक्वेशन सीधा सीधा दिया dy by dx is equal to ये f of x के फॉर्म में, कभी टर्म्स इधर उधर हो तो आपको क्या करना है उसको सॉल्व करके लेफ्ट साइड में केवल dy by dx बचाना है, बाकी सबको उठा के राइट साइड में कर देना है, और फिर चेक करना है कि इधर f of x है कि इधर f of y है कि इधर f of x into f of y दोनों है। तो अभी देखो इधर dy by dx is equal to केवल f of x है, इधर f of x के प्लेस पे 1 minus cos x upon 1 plus cos x। तो जो अपने पास में फॉर्म है dy by dx is equal to f of x, उसको जैसा मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको वैसा ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ देख लिया कि dy by dx is equal to f of x दिख रहा है आपको, तो यहां से मैं dx को इधर कर देता हूँ और इधर dy को रहने देता हूँ, which implies ये dy को ही रहने दो is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x और ये dx, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। देखो फॉर्म पहचान में आ गया आपको, dy by dx is equal to f of x है, जब dy by dx is equal to f of x हो तो dx को आप f of x की तरफ कर दो, तो ये f of x की तरफ कर दिया मैंने। अब इधर dy दिख रहा है और इधर dx दिख रहा है, तो मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसको अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। आप चाहे तो इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपना जो फॉर्मेट अपना क्या काम है कि जैसे dy by dx is equal to f of x दिखे तो dx को इधर कर दो और फिर उसको अपन सॉल्व करते रहेंगे बाद। तो इधर dy by dx, इधर dy दिख रहा, इधर dx दिख रहा, तो मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड को इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, इंटीग्रेशन dy is equal to integration 1 minus cos x upon 1 plus cos x और ये dx, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो मैंने इंटीग्रेशन के साइन पहले ही लगा दिया, कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले इसको सॉल्व कर ले और बाद में इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिख के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे इधर dy और इधर dx कर दिया तो मेरे को इधर dy दिखा इधर dx दिखा, तो मैंने इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड लिख दिया, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता, अब जैसा अपन करते हैं वैसे ही करेंगे। Which implies
dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 1 के साथ में cos x दिख रहा है, तो आपको पता है कि जब 1 के साथ में cos x दिखते हैं तो अपन 1 को कैंसिल करने वाले फॉर्मूले लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इंटीग्रल ऑफ 1 cos x का फॉर्मूला अपने को प्लस 1 है माइनस 1 चाहिए, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 वाला लगाते हैं और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस का है तो अपने को माइनस 1 चाहिए तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 dx। आए आपको ये फॉर्मूले याद? अरे ये वाले फॉर्मूले याद आ गए, cos a का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला लगाया मैंने दोनों जगह, एक साइन वाला और एक याद आपको cos 2a के रखना है, a के प्लेस पे a अपॉन 2 कर देंगे तो a वाला हो जाएगा, और यहाँ a के प्लेस पे x है तो x, ये माइनस साइन का इंटू करे तो 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 था तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो गया, नीचे प्लस 1 है अपने को माइनस 1 चाहिए तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी कई बार यूज किए, इसको सॉल्व कर लो, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, जब ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा तो अपन एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे सी हटने के बाद, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन कॉस 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 और ये dx, ये 2 से 2 कैंसल। अब देखो ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 एंगल सेम है, x अपॉन 2 x अपॉन 2, तो इसको टेन स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये dx। देखिए अपने पास में टेन स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन नहीं है, अपने पास में sec स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन है, टेन x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 को sec में कन्वर्ट कर लो, तो व्हिच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन 2 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 और ये dx। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, सेंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, याद आया? तो tan स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये tan स्क्वायर को यहीं रहने दो, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के प्लेस पे x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 रख दिए, तो ये sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन tan x अपॉन 2 और x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 से और डिवाइड कर देंगे और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 dx का x, which implies ये y है is equal to sec स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन tan x अपॉन 2 हो जाएगा और इसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2। इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करना पड़ता है, sec स्क्वायर x अपॉन 2 का tan x अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, तो एंगल आपका x अपॉन 2 था तो x अपॉन 2 और x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 था तो 1 अपॉन 2 से डिवाइड किया, माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x। अब देखो इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट c लगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, ये 1 अपॉन 2 डबल फ्रैक्शन में तो ऊपर शिफ्ट कर दो इसको, y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c, बस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। अब देखो यहां पर एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आया, जनरल सॉल्यूशन है ये, क्यों आया? क्योंकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके अंदर जो डेरिवेटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके जनरल सॉल्यूशन में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का था तो एक कांस्टेंट आया, कभी सेकंड ऑर्डर का रहेगा तो दो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है? आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, ये रहा वाई इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड dy by dx is equal to under root 4 minus y square, यहाँ condition दी हुई है, कॉमा लगा लेना, y is greater than minus 2 or less than 2, अपने करना कुछ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये equation defined है। अब जो differential equation है dy by dx is equal to under root 4 minus y square, ये देख रहा आपको, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ यहाँ पर, dy by dx is equal to under root 4 minus y square। देखिए सबसे पहले अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा था तो उसको अपने को सॉल्व करके
लेफ्ट साइड में केवल डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाएंगे। अभी ऑलरेडी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा हो, रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर देखो अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा, तो मैंने जो सेकंड वाला फॉर्मेट बताया आपको कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, देखो ये एफ ऑफ वाई है, इधर वाला एफ ऑफ वाई के फॉर्म में, वाई का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एफ ऑफ वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाई के साइड ले आते हैं और डी एक्स को इधर कर देते हैं। पहले भी दो चीजें बताया मैंने आपको पहली मेथड में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म का है, तो इसको ऐसा लिखो, विच एम्प्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने डी वाई के साइड ले आया इज इक्वल टू डी एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, वन अपॉन वाई डी वाई इजिकल टू डी एक्स कर दिया, कर सकते हैं ऐसा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डी वाई दिख रहा है, यहाँ डी एक्स दिख रहा, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करो इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब ये डी एक्स का तो इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, ये फोर दिख रहा आपको, फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वन अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई दिख रहा, तो विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन इस फोर को टू का स्क्वायर लिख लो माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इजिकल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और इधर का इंटीग्रेशन का साइन हट गया आपका, तो एक कांस्टेंट सी लगा दो, प्लस सी लगा दिया मैंने, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। अब इधर सॉल्व करना है अपने को, तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका, जो 10 के दम के 10 फॉर्मूले है आपके, उसमें के जो स्टार्टिंग के 7 फॉर्मूले है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो सी तो अपन इधर लगा दिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, याद आया, तो सी तो अपन ने इधर लगा दी, तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के प्लेस पे वाई स्क्वेयर है और ए स्क्वेयर के प्लेस पे टू स्क्वेयर है, तो रख दो इसके अंदर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे वाई है और ए के प्लेस पे टू है, हो गया इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स वाई अपॉन ए के प्लेस पे टू है इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी अपन ने इस साइड में लगा दी, इधर लगाने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखो ये साइन इनवर्स है, अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना, मतलब वाई की वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स को मैं इस साइड में लाऊंगा तो साइन हो जाएगा, which implies इधर y upon 2 बचा is equal to sin inverse का sin हो जाएगा और ये x plus c, ऐसा हो गया, यहाँ से 2 का और cross multiply इधर कर दो तो y की value आ जाएगी, which implies y is equal to 2 sin x plus c, बस यही आपका required answer हो गया, y is equal to 2 sin x plus c, this is the required solution of given differential equation, ये general solution हो गया, और general solution को आप check करते चलो, जो differential equation था उसमें first order का derivative था, जितने order का derivative रहता है उतनी arbitrary constant आते, तो first order का था मतलब पहले order का था, तो एक arbitrary constant आया c, आया, बस यही आपका answer हो गया, answer दिखाते हैं, ये रहा y is equal to 2 sin x plus c, c आप छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ही लगाते कैपिटल, तो ऐसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका फॉर्मेट पहचान के, पहले क्वेश्चन का फॉर्म था dy by dx is equal to f of x, दूसरे क्वेश्चन का फॉर्म आया dy by dx is equal to f of y, दोनों को एक जैसे ही सॉल्व करना है, y वाले को dy के साइड कर देना, x वाले को dx के साइड रख देना, चले देखिए क्वेश्चन नंबर था dy by dx plus y is equal to 1 where y is not equal to, ये कंडीशन दी है y is not equal to 1, तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं पहले, dy by dx plus y
इज इक्वल टू वन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम जब भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में केवल डी वाई को रहने देना है। अगर डी वाई है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसमें लेफ्ट साइड में केवल डी वाई बचना चाहिए, बाकी चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, शिफ्ट कर लो, जैसा हो रहा होगा वैसा कर लो। तो यहाँ पे वाई दिख रहा है अपने को इधर, तो वाई को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई। देखो ये फॉर्म बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बन गया, है ना, इसको एफ ऑफ वाई बोल सकते हो, y का फंक्शन है पूरा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वही पहले का सेकंड वाला, एक है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और एक वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई, तो ये दूसरा वाला बन रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि ये y वाली टर्म को इधर डी वाई के साइड ले आना और डी एक्स को इधर कर देना है, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके विच एम्प्लाइज वन अपॉन वन माइनस वाई डी वाई और इज इक्वल टू डी एक्स हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब देखो यहाँ डी वाई आ गया, इधर डी एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, वन अपॉन वन माइनस वाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वन माइनस वाई, हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, वाई का कोफिशियंट माइनस वन है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय माइनस वन, इसको माइनस वन से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भूलेंगे नहीं आप, एक्स या वाई का जो भी कोफिशियंट रहता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन का साइन हट गया इधर राइट साइड से, प्लस सी लगा दो, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, विच एम्प्लाइज ये माइनस सामने आ गया लॉग मॉड ऑफ वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा। अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना, मतलब y की वैल्यू निकालना है, y फंक्शन है, तो ये माइनस साइन का मैं दोनों साइड इंटू कर लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा log mod of 1 minus y is equal to minus x plus c, ऐसा कर दिया, इधर के माइनस को इधर कर दिया, इधर y लाना है अपने को, तो इसको फ्री कर लो इधर। अब ये आ गया अपना सोल्यूशन, लेकिन अपने को y की वैल्यू चाहिए रहती है, अभी log को हटाना है अपने, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी वो बताता हूँ मैं आपको, सिंस log e x इज इक्वल टू y, ध्यान से देखना, log बेस में e लिखा हुआ है, ये x है और इधर y है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म लिखा हो तो अपन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों साइड का लॉग लेके। तो अब देखो लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई अगर अपने पास में हो तो क्या करते हैं कि बेस में ई है तो यहां पर बेस में ई रहने देते हैं, यहां बेस में ई है तो ई रहेगा, इधर जो क्वांटिटी रहती है उसको ई की पावर में लगा देते एस इक्वल टू, और यहां पर जो क्वांटिटी रहती है इसको सेपरेट इधर कर देते एक्स। देखिए ये दोनों चीज का मतलब एक ही है, ये दोनों चीज का मतलब एक ही है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। वापस यदि आप इसके दोनों साइड का लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से ये मिल जाएगा। तो आप याद रखिए लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पावर्स के फॉर्म को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अब इसको याद कैसे रखना है आपको, लॉग के साथ में जो बेस रहेगा, अब जैसे लॉग में बेस मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब बेस नहीं रहता है तो बेस ई कंसीडर करते हैं, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो बेस ई रहेगा, तो अब ये ई यहाँ पे है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना, तो बेस में ई है तो ई को बेस में ही रखेंगे, इधर जो क्वांटिटी रहेगी उसको इसकी पावर में ले आएंगे, और यहाँ जो क्वांटिटी रहेगी उसको इधर लिखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको लिखता हूँ, अब देखो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ बेस में हम ई लिख सकते हैं, बेस में e लिख दो आप छोटा सा, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो ये e बेस में है, ठीक है,
तो ई बेस में रहेगा, ये जो क्वांटिटी दिख रही है इसको पूरा ई की पावर में ले आता हूँ और इस पूरे को मैं इधर अलग लिख देता हूँ, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा अपना ई की पावर ये माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वन माइनस वाई, ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। समझ में आता है आपको, बार बार आएगा ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा अपन लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, विच एम्प्लाइज ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं हमने, माइनस साइन का इंटू कर दिए, एक्स में भी कर दिए और सी में भी कर दिए, इज इक्वल टू, अब इधर देखो आप ये मॉडुलस ऑफ वन माइनस वाई लिखा हुआ है, तो अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होती है तो मॉड का साइन हटके अपन प्लस साइन ले लेते हैं, और अंदर की वैल्यू कभी लेस देन जीरो रहती है तो मॉड का साइन हटा के उसके सामने माइनस ले लेते हैं। अब हमको ये तो पता ही नहीं है कि अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है कि लेस देन आर इक्वल टू, सिर्फ वाई इज नॉट इक्वल टू वन दिया हुआ है, तब y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइन ले लेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस y, प्लस माइनस 1 माइनस y ले सकते हैं ऐसा, भाई दो वैल्यू तो देते ही है वो, मॉड का साइन हटाते हैं तो, अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो तो प्लस साइन देता है, अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो माइनस साइन देता है, हम श्योर नहीं है कि अंदर की वैल्यू कैसी, हमको पता नहीं है, तो हमने दोनों ले लिया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं e रेस टू माइनस एक्स इंटू e रेस टू द पावर माइनस सी, देखो माइनस सी यहां पर दोनों का बेस सेम है तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से पावर ऐड हो जाएगी तो e रेस टू माइनस एक्स माइनस सी ऐसा आ जाएगा, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया है, e रेस टू एक्स लिख दिया इंटू e रेस टू माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस वाई। अब ये प्लस माइनस का साइन इधर से हटाने के लिए मैं दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू, मतलब ये वाले प्लस माइनस के साइन को इधर लगा सकते हैं, या दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू करो तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, इधर प्लस में प्लस का इंटू होगा तो प्लस माइनस में माइनस का इंटू होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो इधर का प्लस माइनस हट जाएगा, तो विच एम्प्लाइज ये प्लस माइनस के साइन में इधर लगा दे रहा हूँ और ई रेस टू माइनस सी को मैं पहले लिख रहा हूँ इंटू में, आगे पीछे लिख सकते हैं इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई हो जाएगा, दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू करे तो इधर प्लस माइनस आ गया, इधर का प्लस में प्लस का इंटू करे तो प्लस, माइनस में माइनस करे तो प्लस, इधर का हटके इधर लगा दे, जैसे कोई माइनस साइन इस साइड में रहता तो अपन उस साइड में लगा देते, उस साइड में रहता तो उसका मतलब दोनों साइड माइनस साइन का इंटू करना, ऐसे इसका मतलब दोनों साइड प्लस माइनस का इंटू करना। अब देखो ऐसा आ गया, अब आप इस क्वांटिटी पे फोकस करो, प्लस माइनस ई रेस टू द पावर माइनस सी, ये एक कॉन्स्टेंट है, प्लस वाला भी कॉन्स्टेंट है और माइनस वाला भी कॉन्स्टेंट, पूरा कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा ना ये e रेस टू द पावर x वाला ये फंक्शन है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो आपको ये सिखाया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चाहे कुछ भी आए आखिरी में आपको उसको प्लस c से रिप्लेस करना है, कैसे प्लस c से, तो अपना कांस्टेंट प्लस माइनस e रेस टू द पावर माइनस c आ रहा है, मैं इसको खाली c से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाई c इंटू e रेस टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू वन माइनस y, और आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस माइनस ई रेस टू द पावर माइनस सी इज इक्वल टू सी, ये लिख भी देना, इससे पता चलेगा कि आपने इसके प्लेस पे आपने सी रखे, ठीक है। आप यहां से अपन वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं तो प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू वन को इधर ही रहने दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये माइनस सी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस, अभी देखो वाई इज इक्वल टू वन माइनस सी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, अभी यहाँ पे माइनस सी आ गया फिर से, आपको बार बार यही सिखाया जाता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कांस्टेंट आपका केवल प्लस सी दिखना चाहिए, तो मैं इस माइनस सी को भी प्लस सी से रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू वन प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ लिख देते हैं पुट माइनस सी इज इक्वल टू सी, हमने माइनस सी को फिर से सी से रिप्लेस कर दिया, तो अब अपना फाइनल आंसर आया y इज इक्वल टू वन प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, देखो एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आ गया आपका, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, dy बाई dx था, तो उतने ही कॉन्स्टेंट आपके यहाँ आएंगे, तो y इज इक्वल टू वन प्लस सी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये आंसर आया, ऐसा आया था माइनस सी आ रहा था तो उसको भी हमने प्लस सी लिख दी, फाइनल आंसर में आपको प्लस सी ही लिखना है,
और जितने बार आप उसको चेंज कर रहे हैं ऐसा लिखते जाओ पुट करके, तो उससे सामने वाले को पता रहता है कि इसने इसको चेंज करके ऐसा लिखा। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, y is equal to 1 plus a e raised to the power minus x, उसने c के प्लेस पे a लिख दिया। कांस्टेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, हम शुरू से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c यूज कर रहे हैं तो हम c यूज करें। वो दो बार चेंज कर रहा है, एक बार यहाँ पे चेंज कर दिया था, एक बार यहाँ चेंज कर दिया, इसलिए हमने c को a लिख दिया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप c लिखते, वो भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ठीक है ना। वो कहीं कहीं पे a लिखेगा तो अपन c लिखते जाएंगे, अपना आंसर उससे अच्छा है। और अगर आप किसी दूसरे राइटरों की किताबों में अगर देखेंगे तो वहां भी आपको c लिखा मिलेगा। किसी को हमारी बात पे यदि विश्वास थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है कि यार वहाँ ये लिखा है सर सी लिख रहा है, तो आप दूसरे राइटरों की किताबें देखेंगे तो उसमें भी आपको सी लिखा मिलेगा, ठीक है।